हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो मैंने ये वाला लुक जो है वो राम नवमी के लिए क्रिएट किया है, और मैं इस लुक के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं इंट्रो शूट करना भूल गई हूँ। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड या विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो पहले हम आँखों से शुरुआत करेंगे, एंड फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अ कंसीलर। और यहाँ पे मैंने मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर लिया है, और इसको मैं अपनी आईलेट्स पे डायरेक्टली लगा लूँगी। तो हम आँखों से पहले इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जो कलर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे फेस पे गिर सकते हैं, फॉल आउट हो सकता है, बेस खराब होने के चांसेस है। तो इसीलिए हम पहले हमारा मेकअप जो है वो आँखों से शुरुआत करेंगे, और मैंने इस कंसीलर को अपने फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। अभी हम इसे सेटिंग पाउडर की हेल्प से सेट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे मेबलिन का लूज पाउडर लिया हुआ है, और उससे ये कंसीलर जो है वो हम पहले सेट कर लेंगे ताकि कंसीलर जो है हमारा वो क्रीस ना हो। सो उसके बाद में हम एक पेंसिल ब्रश लेंगे। मेरी क्रीज लाइन के लिए ये वाला शेड लेने वाली हूँ। सो इस शेड को हम अपने क्रीज पे लगा लेंगे। उसके बाद मैं ये वाला शेड जो है लेके आउटर कॉर्नर को डार्क करूंगी। तो एज यू कैन सी, ये वाला जो शेड है जिसका नाम रोज है, इसको मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ यहाँ पे, और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ आगे के साइड पे, जो कि हमारी क्रीज लाइन है उसके साथ हम उसे ब्लेंड कर देंगे। तो अभी आउटर कॉर्नर पे कलर प्लेस करने के बाद में जो ये इनर कॉर्नर फर्स्ट हाफ बचता है उस पर हम दूसरा कलर लेंगे, और वो है ये ब्यूटीफुल पैरेट ग्रीन कलर, क्योंकि हमारी जो साड़ी है वो रेड और ग्रीन है, तो हम ये वाला शेड यूज करेंगे। तो इस कलर को मैं अपने फिंगर्स के हेल्प से अप्लाई करूंगी। तो ये कलर अप्लाई करने के बाद में जो ये रोज कलर है और ग्रीन कलर है, उन दोनों को हम एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। जो दोनों के एजेस है उसे हम ब्लेंड कर देंगे ताकि दोनों कलर अलग अलग ना दिखे, उनके एजेस ना दिखे, एकदम से ही ब्लेंडेड दिखे। सो आफ्टर दैट मैंने स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट लिया है, और इसमें से जो ये पैरेट ग्रीन ग्लिटर शेड है वो हम लगाएंगे जहाँ पे हमने अपना शिमर वाला ग्रीन शेड लगाया था। तो दिस इज द शेड आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई फर्स्ट हाफ। सो कैन यू सी हाउ प्रिटी दिस ग्लिटर लुक्स। सो अभी मैंने ये सेम पैलेट से एक ब्लैक कलर का शेड लिया है, एंड उससे मैं एज अ आई लाइनर लगाऊंगी ताकि स्मोकी वाला लुक आए, स्मोकी लाइनर जैसा लुक आए। सो मैं इसको बिल्कुल ही अपने लैश लाइन के पास में लगाऊंगी। सो हमारी आईज जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमें सिर्फ लोअर लैश लाइन करनी है, लेकिन उससे पहले हम अपना बेस कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम बेस से चालू करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सनस्क्रीन लिया है, एंड दिस इज द ग्लोविवा SPF 50 सनस्क्रीन। आप कोई भी एक सनस्क्रीन ले सकते हो। तो सनस्क्रीन के बाद में आई एम गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द फाउंडेशन, एंड फॉर फाउंडेशन मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया हुआ है, एंड आई एम इन द शेड 310। तो इसको मैं अपने फिंगर्स पे लूँगी पहले, एंड देन इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी।
एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है ये. इफ यू हैव ऑयली स्किन दिस इज द परफेक्ट फाउंडेशन फॉर यू, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है. प्लस इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है. इट्स मीडियम टू हाई कवरेज. यू कैन बिल्ड द कवरेज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग. सो फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ है. उसके बाद में हम यूज करेंगे कंसीलर. सो फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज द सेम कंसीलर, मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, एंड दिस इज इन द शेड बटर स्कॉच. सो ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए. मैं बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करने वाली हूँ. एंड अभी हम इस कंसीलर को फटाफट से लूज पाउडर के हेल्प से सेट कर देंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बेक अंडर माई आईज टूडे. सो अभी हम हमारे आईब्रोज करेंगे. तो मैं एक एंगल्ड ब्रश पे डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड उससे अपने आईब्रोज के जो भी गैप्स है सिर्फ वो फिल इन करूंगी. दैट्स इट. सो आईब्रोज को फिल करके हो चुका है. आई नो मेरे आईब्रोज जो है वो सिमेट्रिकल नहीं दिखते. दैट्स बिकॉज मैंने आज तक कभी अपने आईब्रोज कराया ही नहीं है. दीज आर माई नेचुरल ब्राउज. मैंने बचपन से कभी भी अपने आईब्रोज को टच भी नहीं किया है. सो एंड ऑल्सो मुझे ये ऐसी ही नेचुरल पसंद है, एक सीधा और एक थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा. सो दैट्स हाउ आई लाइक इट. मुझे इतना भी ऐसा परफेक्ट आईब्रोज पसंद नहीं है क्योंकि फिर वो फेक लगते हैं. सो दीज आर माई नेचुरल ब्राउज. अभी ब्राउज होने के बाद में हम नोज कॉन्ट्रिंग करेंगे एंड उसके लिए मैंने ये शुगर का कॉन्टोर फेस पैलेट लिया है एंड दिस इज इन द शेड 02. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड फ्रॉम दिस पैलेट फॉर माई कॉन्टोर, दिस फॉर हाईलाइट एंड दिस फॉर ब्लश. तो हमारा नोज कॉन्टूर करके हो चुका है. अभी हम ब्लश अप्लाई करेंगे. सो फॉर ब्लश अगेन मैं ये वाला शेड यूज करूंगी. इफ यू गाइज हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज यू नो कि मुझे ब्लश लाइक फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा मेकअप में. सो आई गो लिटिल हैवी ऑन ब्लश. सो ब्लश लगा के हो चुका है. अभी जो हमने बेकिंग के लिए अंडर आईज पे पाउडर लगाई थी उसको हम डस्ट ऑफ करेंगे. अभी फॉर लोअर लैश लाइन जो हमने आउटर कॉर्नर पे कलर यूज किया था विच इज रोज, दिस कलर हम यही यूज करेंगे. एंड उसके बाद जो शिमर ग्रीन शेड हमने यूज किया था वो आगे के साइड पे यूज करेंगे. सो अभी इंस्टेड ऑफ अ काजल मैं मेरी वॉटर लाइन पे अगेन एक ब्लैक कलर का आई शेडो यूज करने वाली हूँ. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश जो शेड हमने क्रीज पे यूज किया था आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द शेड एंड मैं हर चीज ब्लेंड करने वाली हूँ लोअर लैश लाइन पे. सो अभी आते लैशेस के ऊपर. फॉर लैशेस आई विल बी यूजिंग माय मोस्ट फेवरेट मस्कारा विच इज लैश सेंसेशनल मस्कारा बाय मेबलिन. सो मस्कारा इज डन. नाउ इट्स टाइम फॉर हाईलाइटर. फॉर हाईलाइटर अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर फेस पैलेट एंड उसमें से मैं ये हाईलाइटर शेड लेके अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पे हाईलाइट करूंगी विच इज माय चीक बोन्स, माय टिप ऑफ द नोज. बहुत ही नेचुरल हाईलाइटर है ये.
इट्स नॉट लाइक दैट चंकी हाइलाइटर ऑन योर फेस काइंड ऑफ, ये बिल्कुल एक नेचुरल हाइलाइटर है और बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है. सो ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज थोड़ा सा यहाँ पे और कर लेती हूँ, फेयर क्यूपिड्स बो, थोड़ा सा चिन पे एंड थोड़ा सा साइड्स ऑफ द फोरहेड. ओके सो फॉर लिपस्टिक आई विल बी यूजिंग शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड 08. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. मैं आज ये यूज करूंगी अपने लिप्स पे. So now I'll just go and put on some bindi and jewelry and I'll be back in a second. So yeah, that's it for my final look. ये look जो है वो मैंने राम नवमी के लिए create किया है. I hope आपको ये महाराष्ट्रियन look पसंद आया. अगर पसंद आया हो तो please मेरे video को like, comment, share, subscribe ज़रूर करना. And yeah, I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care.